हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हम सॉइल मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कि हम कुछ एसएससी जेई या फिर किसी भी जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स में या फिर कुछ प्रीवियस एग्जाम्स के पैटर्न को एनालिसिस करते हुए उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन सेशन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर ऑल द जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देखो, सॉइल मैकेनिक्स में जैसे कि अलग अलग आपके पास टॉपिक्स होते ही हैं, अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, हमारे पास जो टॉपिक है एक आप जानते होंगे सॉइल में एक टॉपिक होता है क्या, परमेबिलिटी एंड सीपेज। परमेबिलिटी एंड सीपेज के टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सॉइल में वी हैव नंबर ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, उनमें भी हमारे पास एक टॉपिक होता है परमेबिलिटी एंड सीपेज। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक परमेबिलिटी एंड सीपेज, जो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज। परमेबिलिटी एंड सीपेज, दिस इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू कंसिडर हेयर, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो जैसे कि यहाँ पे हम जो क्वेश्चन अपना बेसिकली क्वेश्चन जो शुरू करेंगे, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फॉर यू, मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो, आपको क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन क्या है बेसिकली आप लोगों के पास, क्वेश्चन में आपके पास है कि ए सॉइल हैज ए डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ 5×10⁻¹⁷ मीटर पर सेकेंड एंड ए वॉइड रेशियो ऑफ 0.50 एंड ए वॉइड रेशियो ऑफ 0.50, इट्स सीपेज वेलोसिटी विल बी, ये पूछ रहे हैं कि इस सॉइल की सीपेज वेलोसिटी क्या होगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो जो डाटा दे रखा है क्वेश्चन में, उस डाटा को हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक। सो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डिस्चार्ज वेलोसिटी के बारे में, हमें दे रखा है डिस्चार्ज वेलोसिटी, दे हैव गिवन अस डिस्चार्ज वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल v से, आई एम रिप्रेजेंटिंग द डिस्चार्ज वेलोसिटी बाय स्मॉल v, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5×10⁻¹⁷ मीटर पर सेकेंड। नाउ वॉइड रेशियो की जो वैल्यू दी है फॉर दिस पर्टिकुलर सॉइल, द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो गिवन, वॉइड रेशियो e से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉइड रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, 0.50. नाउ पूछा जा रहा है सीपेज वेलोसिटी, व्हाट विल बी द सीपेज वेलोसिटी एज पर दिस गिवन डाटा, सीपेज वेलोसिटी के बारे में पूछा जा रहा है। सीपेज वेलोसिटी को पहली बात हम रिप्रेजेंट करेंगे किसे, आई विल रिप्रेजेंट इट बाय Vs, Vs से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, अब इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कि मतलब बेसिकली क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं इसको, देखो शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हुआ, डिस्चार्ज वेलोसिटी दे रखा है, वॉइड रेशियो दे रखा है, आपसे सीपेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड क्या होता है सीपेज वेलोसिटी, ठीक है। देखो, जैसे कि आपको पता है कि हम बेसिकली सॉइल के पास एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसके हेल्प से वो किसी भी फ्लूड को अपने अंदर से पास होने देती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच एनी फ्लूड कैन पास थ्रू द इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स ऑफ सॉइल, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई फ्लूड सॉइल के इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स में से पास कर सकता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज व्हाट, परमेबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी हम उसको बोलते हैं। इसी चीज को डिफाइन करने के लिए आपके पास एक लॉ भी होता है, ठीक है, इसी में बेसिकली आप एक लॉ भी पढ़ते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डार्सीज लॉ, उसको हम बोलते हैं क्या, डार्सीज लॉ, हम उसको डार्सी लॉ बोलते हैं। अब डार्सी लॉ के हिसाब से आपने एक रिलेशन देखा होगा, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे उस चीज को ज्यादा डिटेलिंग में डिस्कस नहीं करूंगा, उसको आने वाले क्वेश्चंस में मैं डिस्कस करूंगा दोबारा से एक बार डिटेलिंग में डार्सी लॉ को, बट अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। एज पर डार्सी लॉ के हिसाब से आपने एक रिलेशन देखा होगा, रिलेशन क्या होता है आपके पास, एज पर डार्सीज लॉ एक रिलेशन हमने देखा था, व्हाट वाज द रिलेशन, की रिलेशन था वी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, V was directly proportional to I, ठीक है, ये रिलेशन होता है। Now what is this V? ये जो V होता है यहाँ पे, this is basically the discharge velocity. This is basically the discharge velocity. And what is this I? ये जो I होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, hydraulic gradient. This I is called as the hydraulic
ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन होता है। नाउ अब अगर मैं यहां से ये जो आपके यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा हुआ है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए मैं यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ठीक है। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको यहां से हटाता हूं तो ये जो v है दैट विल बिकम v इज इक्वल्स टू के आई, दिस विल बिकम v इज इक्वल्स टू के इंटू आई, ठीक है। ये जो k है यहां पे, व्हाट इज दिस k, ये k है आपके पास कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी। इस k को कहा जाता है कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी, या फिर सिंपली हम इसी को परमेबिलिटी भी कह देते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, इसी को हम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो वी शुड नो ऑल दीज थ्री नेम्स, के इज वॉट कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी, और सिंपली यू कैन से इट परमेबिलिटी, और यू कैन से इट एज द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑल्सो, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे समझना है। अब बेसिकली पॉइंट ये क्या है इसमें कि ये जो यहाँ पे v है, आपने जो यहाँ पर v लिखा हुआ है, इस वेलोसिटी को हम बोल, ये बेसिकली वेलोसिटी है, दिस v इज वॉट वेलोसिटी है, लेकिन ये जो यहाँ पे वेलोसिटी लिखी हुई है, दिस इज एक्चुअली द डिस्चार्ज वेलोसिटी, दिस इज एक्चुअली द डिस्चार्ज वेलोसिटी, दिस इज एक्चुअली द डिस्चार्ज वेलोसिटी, ये डिस्चार्ज वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि डार्सी लॉ के हिसाब से क्या होता है कि अब जैसे सपोज आपके पास ये पर्टिकुलर, मैं एक सॉइल मास अगर कंसिडर करूं, दिस इज एनी सॉइल मास, ये आपके पास लेट अस सपोज कोई भी एक सॉइल का सैंपल है, वी हैव एनी सॉइल सैंपल, ठीक है। अब लाइक दिस आपके पास ये एक सॉइल का सैंपल है। अब क्या हो रहा है कि वाटर जो है इस सॉइल सैंपल में, देखो आपको इस तरह से सॉलिड्स पार्टिकल दिखाई देंगे, यू विल बी सीइंग दिस सॉलिड पार्टिकल्स लाइक दिस, दीज आर द सॉलिड पार्टिकल्स एंड देयर आर सम इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स बिटवीन दी सॉलिड पार्टिकल्स, देयर आर सम इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स बिटवीन दी सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि डार्सी लॉ हमें क्या कहता है कि जब हमारा कोई भी फ्लूड, व्हेनेवर द फ्लूड विल पास थ्रू दिस पर्टिकुलर सॉइल मास, जब फ्लूड इस सॉइल मास के अंदर से पास करेगा, जब फ्लूड इस सॉइल मास के अंदर से पास करेगा, तो उस समय पे उसकी जो वेलोसिटी रहेगी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वही मैंने यहां पर लिख के दिखाया है कि फ्लूड इसके अंदर से जब पास कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो पास कर रहा है, ठीक है, वो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है। अब इसमें एक दो पॉइंट हमें यहां पे जो समझना है, इस वेलोसिटी को हमने, ये जो वेलोसिटी आप यहां पे कंसिडर कर रहे हो, इस वेलोसिटी को हमने डिस्चार्ज वेलोसिटी क्यों कहा, ठीक है, डिस्चार्ज वेलोसिटी क्यों कहा, वो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है। एंड सीपेज वेलोसिटी फिर क्या होती है, इसमें एक दूसरा टर्म भी आपसे पूछा गया है कि सीपेज वेलोसिटी, तो डिस्चार्ज वेलोसिटी क्यों कहा, पहली बात तो हमने इस वाली वेलोसिटी को, ये जो वेलोसिटी हम यहां पे लिख रहे हैं इसको डिस्चार्ज वेलोसिटी क्यों कहा, एंड व्हाट इज दिस सीपेज वेलोसिटी, इन दोनों पॉइंट्स को हम यहां पे समझेंगे, ठीक है। अभी मैं देखो ये यहां पे आपने इसको क्या कहा है, डिस्चार्ज वेलोसिटी कहा है। अब एक बात करते हैं हम, अब मैं आपसे एक बात करूं कि मैं आपसे एक सिंपली चीज पूछ रहा हूं कि यहां पे देखो ये जो डिस्चार्ज वेलोसिटी, पहली बात तो हम देखते हैं कि इसको डिस्चार्ज वेलोसिटी हमने क्यों कहा है, हमने इसको डिस्चार्ज वेलोसिटी इसलिए कहा है क्योंकि हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो पानी का या फिर जो भी फ्लूड है, वो जो फ्लूड इसमें से पास हो रहा है, देखो आई रिपीट दिस स्टेटमेंट अगेन, हम इसको डिस्चार्ज वेलोसिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने ये कंसिडर किया है कि जो फ्लो हो रहा है फ्लूड का, वो इस पूरे क्रॉस सेक्शन में से हो रहा है, ठीक है। लिसन टू दिस पॉइंट अगेन, हमने इसको डिस्चार्ज वेलोसिटी इसलिए कहा क्योंकि हम यहां पे ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो पानी का फ्लो हो रहा है या फिर जो व्हाटएवर इज द फ्लूइड, उसका जो फ्लो हो रहा है वो इस पूरे क्रॉस सेक्शन में से हो रहा है। लेट अस सपोज इसका क्रॉस सेक्शन की मैं अगर बात करूं, अब सपोज करो कि जैसे ये डायमेंशन आपके पास है कितना, लेट अस सपोज दिस इज बी, लेट अस सपोज दिस डायमेंशन इज बी, एंड लेट अस सपोज ये वाला जो हाइट है, बेसिकली मैं यहां पे बनाकर दिखा देता हूं, ये वाला जो हाइट है, दिस हाइट इज व्हाट h,
तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें से फ्लो हो रहा है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, दिस विल बिकम बी इंटू एच. बी इंटू एच इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू विच द फ्लो इज टेकिंग प्लेस. क्रॉस सेक्शनल एरिया हम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लेते हैं. एरिया हम कौन सा कंसिडर करते हैं, हम एरिया कंसिडर करते हैं जो भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है. तो आप यहाँ पे अज्यूम करके चलो कि जैसे ये अगर बी है एंड दिस इज एच, तो कौन सा परपेंडिकुलर टू फ्लो एरिया रहेगा, ये वाला जो बेसिकली परपेंडिकुलर टू बोर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है. बी इंटू एच विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो हम ये पूरा मानकर अज्यूम यहाँ पे ये करके चल रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है वो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में से हो रहा है, दैट इज बी एच एरिया में से. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज वेलोसिटी बोलते हैं, या फिर इसी डिस्चार्ज वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी भी कहा जाता है. इसी डिस्चार्ज वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी भी कहा जाता है, ठीक है. डिस्चार्ज वेलोसिटी, इसी का दूसरा नाम क्या है, एवरेज वेलोसिटी भी है. डिस्चार्ज वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी. अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको एवरेज वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं. एवरेज वेलोसिटी हम इसको इसलिए बोल रहे हैं या फिर डिस्चार्ज वेलोसिटी हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि पूरे क्रॉस सेक्शन में से फ्लो हो रहा है. लेकिन एक्चुअली में अगर मैं बात करूं, एक्चुअली में जो पानी का या फिर फ्लूड का जो फ्लो हो रहा था, एक्चुअली में जो फ्लूड का फ्लो हो रहा था वो फ्लो सिर्फ इन इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स के थ्रू हो रहा है. वो फ्लो सिर्फ इन इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स के थ्रू हो रहा है, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स है ना, ये जो इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स हैं उनके अंदर से ही तो सिर्फ फ्लो हो रहा होगा. आप ये चीज खुद से अज्यूम करके चलो, क्या फ्लो इस पूरे क्रॉस सेक्शन में से हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है. फ्लो जो हो रहा है वो सिर्फ इन इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स के अंदर से हो रहा है, ठीक है. सो ये पूरा क्रॉस सेक्शन यहां पे कंसिडर करना ठीक नहीं रहेगा. पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप कंसिडर कर रहे हो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, सो दैट विल नॉट बी अ राइट केस, ठीक है. एक्चुअली जो फ्लो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, सिर्फ इन इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स के थ्रू हो रहा है. तो अगर मैं पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसिडर करके वेलोसिटी लिखता हूं या बोलता हूं तो मैं उसको कहता हूं डिस्चार्ज वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी. लेकिन अगर मैं एक्चुअली बात करूं, एक्चुअली फ्लो हो रहा है थ्रू द इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स ओनली, अगर मैं एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो की बात करूं, अगर मैं एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो की बात करूं थ्रू दीज इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स, यानी कि इन इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स में से एक्चुअली किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, ये दोनों वेलोसिटीज अलग अलग रहेंगी. मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगर आप पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करके वेलोसिटी बोलोगे जिसको आप डिस्चार्ज वेलोसिटी बोल रहे हो, वो वेलोसिटी बिल्कुल डिफरेंट रहेगी. और जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी थ्रू दीज इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स, जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी थ्रू दीज इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स, वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगी. नाउ जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है थ्रू दीज इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं क्या, सीपेज वेलोसिटी. उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी, या फिर ट्रू वेलोसिटी भी हम उसको बोल देते हैं, या फिर हम उसी को एक्चुअल वेलोसिटी भी कहते हैं. सो ये यहां से क्लियर हुआ डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या है एंड सीपेज वेलोसिटी क्या है. सो सीपेज वेलोसिटी इज व्हाट, सीपेज वेलोसिटी इज एक्चुअली द वेलोसिटी थ्रू द इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स. सीपेज वेलोसिटी इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो कि थ्रू इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स हो रहा है. डिस्चार्ज वेलोसिटी आप पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कंसिडर करके चल रहे हो कि फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा. एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी विल नेवर बी इक्वल टू द सीपेज वेलोसिटी, ये दोनों हमेशा अलग अलग रहेंगे. सो सीपेज वेलोसिटी का आपको समझ में आया, व्हाट इज दिस सीपेज वेलोसिटी, यानी कि सीपेज वेलोसिटी इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स, एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो व्हेनेवर वी आर कंसीडरिंग द कंप्लीट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है. सो ये यहां से हमें समझना है. अब क्या होता है, इस डिस्चार्ज वेलोसिटी में एंड सीपेज वेलोसिटी में एक रिलेशन भी होता है. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी, और वो रिलेशन क्या है, द रिलेशन इज सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज वेलोसिटी बाय पोरोसिटी. दिस इज द रिलेशन सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी. ये एक रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, यानी कि अगर आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी पता है तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीपेज वेलोसिटी. व्हाट इज दिस बी, दिस इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी, दिस इज पोरोसिटी एंड दिस इज सीपेज वेलोसिटी. तो ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो ये आपको चीजें समझ में आई कि डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या है एंड सीपेज वेलोसिटी क्या है, ठीक है. इसकी हेल्प से, रिलेशन की हेल्प से आप सीपेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी पता है तो, ठीक. एक यहां पे मैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर. देखो सीपेज वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा डिस्चार्ज वेलोसिटी से ज्यादा निकल कर आती है. सीपेज वेलोसिटी विल ऑलवेज बी मोर एज कंपेयर टू डिस्चार्ज
वेलोसिटी, ये हमेशा डिस्चार्ज वेलोसिटी से ज्यादा ही रहती है। ठीक है, क्यों? देखो यहां से, इस फॉर्मूले से भी हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर मैं आपसे पोरोसिटी के बारे में बात करूं, मैंने अर्लियर लेक्चर्स में एक चीज डिस्कस करी थी कि पोरोसिटी जो होता है, पोरोसिटी की रेंज जो होती है ना, पोरोसिटी की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा 100% से कम रहती है। पोरोसिटी की वैल्यू हमेशा 100% से कम बोल दो, या फिर बोल दो कि 1 से कम रहती है। ठीक है, पोरोसिटी की वैल्यू हमेशा 100% से कम, या फिर बोल दो कि 1 से हमेशा कम रहती है। तो अगर पोरोसिटी हमेशा 1 से कम रहेगा, अगर पोरोसिटी की वैल्यू हमेशा, इफ दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 1, तो ऑब्वियसली ये वाली जो वैल्यू है, दिस वी एस वैल्यू, वो हमेशा वी एस वैल्यू हमेशा वी से ज्यादा ही तो निकल कर आएगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीपेज वेलोसिटी विल ऑलवेज बी मोर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि पोरोसिटी विल ऑलवेज बी लेस देन द 1, पोरोसिटी हमेशा 1 से कम रहेगा। तो अगर आप इसको देखो तो हमेशा सीपेज वेलोसिटी जो है वो आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी से ज्यादा ही निकल कर आएगा। दिस इज ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछते हैं कि सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। सीपेज वेलोसिटी विल ऑलवेज बी मोर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी, ये आप इस रिलेशन से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतने कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए, सीपेज वेलोसिटी क्या है, डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या है। एक्चुअली अगर हम वॉइड्स के थ्रू बात करें, कितनी वेलोसिटी रहेगी, एक्चुअल वॉइड्स के थ्रू जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी सीपेज वेलोसिटी के बराबर। लेकिन अगर आप पूरा क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर रहे हो तो जो वेलोसिटी रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, डिस्चार्ज वेलोसिटी आप उसको बोलते हो, या फिर एवरेज वेलोसिटी आप उसको बोलते हो। तो ठीक है, ये हमें यहां से क्लियर हो गया। एंड दोनों वेलोसिटी हमेशा अलग अलग रहेंगी, सीपेज वेलोसिटी वो हमेशा ज्यादा रहेगी किससे, डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो अब अपने इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो आपको कैलकुलेट करना है सीपेज वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी दे रखा है, वॉइड रेशियो दे रखा है। वी कैन इजिली कैलकुलेट दिस वैल्यू यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिलेशन। बट डिफरेंस कहां पे है, हमें यहां पे थोड़ा सा पोरोसिटी पहले कैलकुलेट करना होगा, हमें यहां पे पोरोसिटी पहले कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि फॉर्मूले में पोरोसिटी का यूज हो रहा है ना, तो हमें पोरोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। बाकी तो ये तो हमें दे ही रखा है, तो पोरोसिटी पहले कैलकुलेट करते हैं। देखो वॉइड रेशियो है आपके पास, ई आपके पास है, पोरोसिटी कैलकुलेट करना है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई होता है रिलेशन। एक और रिलेशन होता है क्या, ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन, ये भी रिलेशन होता है। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशियो बाय 1 प्लस ई, यानी कि इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी, पोरोसिटी की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, पोरोसिटी की वैल्यू निकल कर आ रही है n is equals to e की वैल्यू कितनी है 0.5 upon 1 plus 0.5, it will become, ये आपका कितना बन जाएगा लगभग 0.3 के आसपास ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना बनेगा 0.5, यस ये आपका कितना बनेगा 0.33 के आसपास ये जो है आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी, आप इसे करके देख सकते हैं 0.5 अपॉन 1.5, दिस विल बिकम व्हाट 5 by 15 कितना बनेगा आपका 0.333 के आसपास बनेगा। नाउ ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी, किसकी, पोरोसिटी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है क्या, सीपेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। पोरोसिटी आपके पास है, डिस्चार्ज वेलोसिटी आपके पास है, जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। क्या आएगा कैलकुलेट होके, अगर हम कैलकुलेट करें इसे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये दिस विल बिकम v की वैल्यू कितनी है, डिस्चार्ज वेलोसिटी की वैल्यू है 5 × 10⁻⁷ अपॉन 0.333। कितनी आ रही है वैल्यू निकल के, ये वैल्यू जो आ रही है हमारे पास लगभग 15 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड के आसपास आ रही है। दिस इज सीपेज वेलोसिटी, दिस इज सीपेज वेलोसिटी, दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है सीपेज वेलोसिटी, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास था वो क्या था, कि फ्लो एक्चुअली में इन वॉइड्स के अंदर से ही तो होगा। क्या फ्लो पूरे क्रॉस सेक्शन में से नहीं होगा, फ्लो सिर्फ इन वॉइड्स के अंदर से होगा। पर यहाँ पे तो सॉलिड्स है ना, अब सॉलिड्स के अंदर से थोड़ी फ्लूड पास करेगा, फ्लूड तो खाली जगह में से ही पास करेगा ना। दिस इज अ सिंपल पॉइंट जो हम समझ सकते हैं, फ्लूड हमेशा सिर्फ खाली जगह में से पास करेगा, अब सॉलिड्स के अंदर से थोड़ी पास करेगा। अब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का कुछ पार्ट तो आपके वॉइड्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, एंड कुछ पार्ट इन सॉलिड्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। सो सिर्फ पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करना यहाँ पर ठीक अप्रोच नहीं है।
सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, सीपेज वेलोसिटी क्या है, डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या है, एक ये रिलेशन भी हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन डिस्कस किया है। अब हम क्या करते हैं,